ग्वालियर में सिंधिया रियासत काल से चली आ रही रामलीला के मंचन में इस वर्ष भी केंद्रीय मंत्री और सिंधिया परिवार के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्री राम की आरती की और रामलीला का मंचन देखा। इस अवसर पर उन्होंने ग्वालियर शहर और पूरे देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, विजयदशमी का ये पर्व हर भारतीय के लिए एक विशेष महत्व रखता है। हमारे देश में रामलीला की एक समृद्ध परंपरा है और ये ग्वालियर की रामलीला पिछले 77 वर्षों से सिंधिया परिवार द्वारा आयोजित की जा रही है। यह आयोजन अब एक भव्य रूप ले चुका है और असत्य पर सत्य की जीत की प्रेरणा हमें देता है। विजयदशमी का ये पर्व हर भारतवासी के लिए 10-5 मिनट रामलीला का भी दर्शन अवश्य करें। अभूतपूर्व पर्व महाराज को जाना है और इस अभूतपूर्व पर्व पे हर एक प्रदेश के वासी, हर एक देश के वासियों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा सभ्यता है रामलीला की, और ये रामलीला ग्वालियर की पिछले 77 वर्षों से जो सिंधिया परिवार के द्वारा आयोजित की जाती है, धीरे धीरे करके भव्य रूप धारण कर चुका है। विजयदशमी के पर्व पे सत्य की जीत असत्य के ऊपर, न्याय की जीत अन्याय के ऊपर, और आदर्श जीवन जीने की एक प्रेरणा हमें इस रामलीला महोत्सव से मिलती है। आज ग्वालियर के सभी वासियों को मैं अपने दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये वर्ष मंगलमय रहे भारत के लिए, एक एक वासी के लिए, तरक्की हमारा देश करे, अमन चैन का वातावरण हो, यही कामना करते हुए आप सबको भी मैं अपने दिल से शुभकामनाएं। बता दें कि पिछले 73 वर्षों से ये रामलीला ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के छत्री मैदान में आयोजित होती थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान गाइडलाइंस के कारण आयोजन स्थगित किया गया। साल 2022 से ये भव्य आयोजन शहर के फूलबाग मैदान में किया जाने लगा है और सिंधिया परिवार का मुखिया हर वर्ष इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए हैं।